नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं टेक्निकल दुनिया में। दोस्तों, अगर आप यूट्यूब क्रिएटर हैं, यूट्यूब पर काम करते हैं या फिर यूट्यूब पर काम करना चाहते हैं तो उन सभी के लिए ये वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। लेकिन ये वीडियो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट उन लोगों के लिए हो रही है जो लोग ऑलरेडी यूट्यूब पर वर्किंग है, यानी कि यूट्यूब पर काम कर रहे हैं और उनके चैनल पर व्यूज नहीं आ रहे हैं। वो परेशान रहते हैं, व्याकुल रहते हैं और उनको ये लगता है कि यार मेरा चैनल चलेगा कि नहीं चलेगा और उनके चैनल पर व्यूज नहीं आते हैं। तो जो भी इस प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे हैं उन सभी के लिए ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिरकार आपके चैनल पर व्यूज क्यों नहीं आते हैं, इसके पीछे की क्या वजह होती है और आप इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। पूरी जानकारी बताऊंगा, ये जानकारी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और आपके लिए एकदम इंफॉर्मेटिव एंड इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इसलिए इस वीडियो के अंतिम दौर तक बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल टेक्निकल दुनिया को सब्सक्राइब कर जरूर हो जाए। शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। दोस्तों, बात करें तो देखिए, पहला कंडीशन होता है कि जब आप अपना नया चैनल बनाते हैं, तो जब नया आप चैनल बनाते हैं तो उस समय आप एक्सपेक्ट करें कि मुझे हजारों व्यूज मिले, मुझे लाखों व्यूज मिले, मुझे सैकड़ों व्यूज मिले, तो ये बहुत कम रेयर होता है और खास करके उन लोगों के साथ ये चीजें होती है जो लोग ऑलरेडी फेमस हैं, जो एक सेलिब्रिटी हैं, जो लोग यूट्यूब पर काफी ज्यादा पॉपुलर हैं या फिर उनका जुगाड़ है किसी के माध्यम से आकर कम्युनिटी या प्रमोशन कर दिए, तो उनका तो एक्सपोज हो जाता है चैनल। लेकिन जिनके पास कुछ नहीं होता है वो जब शुरुआत करते हैं तो उनके चैनल पर आप व्यूज जो है वो नहीं आता है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, आपके पास धैर्य शक्ति होना चाहिए और धैर्य शक्ति के साथ आप पूरा हार्ड वर्किंग डेडिकेशन के साथ काम करें तो आने वाले समय में हर यूट्यूबर को एक ऐसा मौका मिलता है जब उनका चैनल अचानक से बूस्ट हो जाता है और आपको भी ट्रस्ट नहीं होता है कि मेरा चैनल इतना ज्यादा बूस्ट कर गया। तो पहले कंडीशन में आपका चैनल जब नया होता है उस समय नहीं आता है तो उस समय आपको ये काम करना पड़ेगा। दूसरे की बात करता हूं तो जैसे आप कोई सर्चेबल टॉपिक्स पे वीडियो बनाते हैं, कई सारे ऐसे चैनल्स होते हैं जो सर्चेबल टॉपिक्स पे वीडियो बनाते हैं, तो जब आप सर्चेबल टॉपिक्स पे वीडियो बनाते हैं और उम्मीद करेंगे कि आपकी अचानक से व्यूअर्स आ जाएं तो वो बहुत कम चांसेस होते हैं, रेयर चांसेस होते हैं। तो आप जब सर्चेबल टॉपिक्स बना रहे हैं तो इस सिचुएशन में भी आपको पेशेंस के साथ काम करना है और आपको करते जाना है और सर्चेबल टॉपिक पर वैसे वीडियोस डालनी है जो लोगों से जुड़ा हुआ हो, जो लोगों की समस्याओं का समाधान करता है या फिर जो लोग हैं उसके बारे में अवेयर होना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, उसका इंफॉर्मेशन गेन करना चाहते हैं। तो सर्चेबल टॉपिक्स पर अगर आप कोई वीडियो बनाते हैं तो उस समय आपके व्यूज नहीं आते हैं, लेकिन सर्चेबल टॉपिक्स की जब वीडियोज वायरल होती है तो अपने आप पर भरोसा, विश्वास नहीं होता है कि मैंने ऐसा कौन सा वीडियो डाल दिया जिस पर मिलियंस ऑफ मिलियंस व्यूज मिल जाए। तो सर्चेबल टॉपिक्स पे काम करेंगे तो आपके लिए एवरग्रीन अर्निंग होती है और आपका चैनल का बूस्ट होने का जो चांसेस होता है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन उसमें भी आपको नहीं पता कि आपकी वीडियोस कब वायरल हो, लेकिन उसमें भी जो है वो समय आता है जिसमें कि आपकी वीडियोस वायरल हो जाती है। तीसरा कंडीशन, अवे फ्रॉम द मेन टॉपिक, यानी कि अगर मैं बात करूं तो मान लीजिए मैं YT का टिप्स दे रहा हूं, मैं YouTube का टिप्स दे रहा हूं और YouTube के वीडियो को मेरे वीडियोस को लोग काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं, मान लो हजारों में देख रहे हैं, कोई भी मैं वीडियो डाल रहा हूं तो हजार से लाख से कम में नहीं देख रहे हैं। लेकिन मैं जब उस वीडियो यानी कि जो यूट्यूब का वीडियो है उससे अलग हटकर मैं किसी एप्लीकेशन का वीडियो बना दूं, किसी और चीजों का रिव्यू कर दूं जिससे कि मेरी ऑडियंस जो जुड़ी है वो उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रही है, तो उस सिचुएशन में आपका व्यूज नहीं आता है। तो आप कोशिश करें कि आप अपना एक ट्रेंड चैनल का सेट करें और उसी चैनल पर ट्रेंडिंग जो आपने चीजें बनाई है उसी चीज पर ज्यादा से ज्यादा फोकस्ड करें। अगर उस पर आप ज्यादा फोकस होते हैं तो आई होप सो कि आपके व्यूअर्स डाउन नहीं होंगे और लोग जो है उतना ही खुशी के साथ आपके वीडियोस को देखेंगे। तो अवे फ्रॉम द टॉपिक्स काम मत करें, जो आप काम कर रहे हैं उसी पर काम करें, उसी में रिसर्च, उसी में जो बेहतर कर सकते हैं वो अगर आप काम करते हैं तो उस सिचुएशन में आपके व्यूज आएंगे और अगर हटते हैं तो फिर आपका व्यूज जो है वो नहीं आएंगे। वही बात करें तो चौथा जो है वो आपके चैनल पर, कभी कभी आप देखते होंगे कि आपके चैनल पे कभी कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ जाता है, कॉपीराइट स्ट्राइक्स आ जाती है, इसके अलावा आपके चैनल पे कंटेंट आईडी का कोई कॉपीराइट क्लेम आ जाता है, तो आप देखते होंगे कि जब भी कोई कॉपीराइट क्लेम वीडियो डालेंगे ना
तो उसको YouTube ज्यादा लोगों के पास नहीं भेज रहा है। जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, मैं ऐसे कई सारे वीडियोस देखा हूं कि जब आप उसको डालेंगे उसमें कितना भी बेहतर कंटेंट हो, आपके टॉपिक से भी जुड़ा हो, सारी चीजें हो, लेकिन फिर भी YouTube जो है उस वीडियो को प्रमोट नहीं करता है, इंप्रेशंस ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास नहीं पहुंचाता है। तो जब भी आपके चैनल पे कभी कॉपीराइट आ गया, कभी कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया, कॉपीराइट क्लेम आ गया, कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आएगा, तो उस समय आप एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि आपके चैनल पर व्यूवर्स जो है वो थोड़ा सा डाउन हो जाते हैं। डाउन इसलिए हो जाते हैं क्योंकि यूट्यूब के नजर में आपकी छवि एक निगेटिव तौर पर बन जाती है, तो वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास नहीं पहुंचाता है। और जब ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास नहीं पहुंच जाएगा तो ऑब्वियसली उन्हों की भाई जब ज्यादा लोगों पास पहुंचेगा नहीं तो दिक्कत तो होना ही है। तो इस सिचुएशन में व्यूज नहीं आते हैं, जो कि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप काम करें, बेहतर काम करें, अपना कंटेंट डालें ताकि इस प्रकार की समस्याएं जो है वो ना आए, और कम्युनिटी गाइडलाइन और यूट्यूब की जो गाइडलाइन है उसको आप जरूर फॉलो करें। पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट होता है टाइम गैप। मान लीजिए आपने कोई वीडियो एक दिन में एक वीडियो डाल रहे हैं, लगातार डालते जा रहे हैं और अचानक से 10 दिन वीडियो नहीं डाले, तो देखिए ऑब्वियसली ऐसे ही पहला नंबर तो आप डेली जब वीडियो पा रहे हैं तो डेली पर व्यूवर्स आ रहे हैं, और जब 10 दिन गैप करेंगे तो 10 दिन डेली के जो व्यूवर्स है उस रेशियो से कमी हो जाएगा। ऊपर से आपकी जो व्यूवर्स है ना वो भागने लगेगी आपको छोड़कर, यार क्या ही है कि बंदा कुछ डाल ही नहीं रहा है। लेकिन उसी में कोई चैनल बहुत बड़ा होता है जैसे बीबी के वाइंस वगैरह हो गया तो उसको लेकर लोग अवेटेड रहते हैं, लेकिन आप जब जनरल इन्फॉर्मेशन एक नॉर्मल यूट्यूबर के तौर पर काम कर रहे हैं तो उस सिचुएशन में आपको ये सामना करना पड़ सकता है। तो आप कोशिश करें कि आप कहीं जा रहे हैं तो बैकअप में 10 दिन के लिए कहीं जा रहे हैं तो बैकअप में 10 वीडियो बना ले जो कि डेली पब्लिश करते रहें, ताकि उस पर जो व्यूअर्स का इंटरेक्शन है वो आपसे जुड़ा रहे, जिसकी वजह से आपके चैनल पे व्यूज जो है वो कम ना हो। तो ये पांच चीजें थी मेरी नजर, मेरा एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, कि ये पांच चीजें को अगर आप फॉलो करते हैं Obviously, your channel will grow और आपके views down नहीं होंगे, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आपका channel जो है वो down हो जाएगा और viewer जो है आपके channel पे नहीं आएगा। और कई cases में YouTube पर आप काम करते हैं तो आपको patience होना चाहिए। Patience अगर आपके अंदर आ गया then you have to be the successful person of on YouTube, तो आप YouTube पर एक successful people के रूप में उभर पाएंगे और आप सही तरीके से लोगों को जानकारी दे पाएंगे। तो ये कुछ जानकारी था, मेरा एक्सपीरियंस था, मुझे लगा कि आप सभी को साझा करना चाहिए ताकि आपको ये समस्याएं भी समझ में आ जाएगी कि व्हाट इज द प्रॉब्लम एक्चुअली यू हैव टू कम फॉर सच टाइप ऑफ व्यूअर्स टू बी लेस। तो आपको ये व्यूअर क्यों कम होता है ये चीजें भी आपको जानना जरूरी है, और व्यूअर कैसे बढ़ाया जाता है ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि आप अगर कोई काम कर रहे हैं तो उसके बारे में आपको सब कुछ की जानकारी नहीं रहेगी तो ड्यू टू दैट कुछ lacks of confidence, lack of patience, lack of information, कुछ न कुछ गड़बड़ियां हो जाएंगी जिसकी वजह से शायद आप ग्रो नहीं कर सकते हैं। और शायद ये चीजें जान लें तो आप जब ग्रो करने वाले हैं उससे ही पहले ग्रो हो जाए। तो ये कई सारी चीजें YouTube को लेकर, तो ये मेरा एक्सपीरियंस था, मुझे लगा कि आप सभी को बताना चाहिए। तो अपडेट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए, वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर, और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़िए। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर जाकर पिंटू सिंह यादव सर्च करके जरूर जुड़े, डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।